हरे कृष्णा साथियों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने भगवान से मांगी कि मुझे ये चाहिए भगवान, और वो चीज़ें उस एट इंस्टेंट या उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको नहीं मिल रही। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भगवान का प्लान होता है वो आपके प्लान से ज़्यादा बड़ा होता है, विशाल होता है, और फिर आप ऐसे सोचते हो कि पता नहीं क्यों चीज़ होते होते नहीं हुई, या फिर क्यों ऐसा हो गया कि वो होने वाला था, काश वो हो जाता बट मुझे कुछ मिलता नहीं है टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन आप एक चीज़ देखिए ना कि भगवान के पास आपके लिए भी प्लान्स हैं। भगवान के पास सब चीज़ों के लिए प्लान है, वो सबसे बड़े प्लानर हैं। आपको पता है हमारे पड़ोस में अभी 2 छोटे बच्चे हैं और चिल्ला रहे हैं, तो आपको उनकी नॉइस आ रही होगी, पर मैं उस चीज़ को अच्छा मानती हूँ क्योंकि छोटे बच्चों से चहल पहल रहती है, रौनक रहती है, और छोटे बच्चों से आपका मन लगा रहता है। तो कहाँ थे हम? हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि भगवान के प्लान पे विश्वास कीजिए कि वो उस एट इंस्टेंट नहीं मिला तो वो मिलेगा, लेकिन आपको रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा। उस दौरान जब आपके काम नहीं बन रहे, उस दौरान भी आपको ग्रेटफुल होना है, चीज़ों को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करना है कि वो आपकी लाइफ में है, उनकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है आपकी लाइफ में, और वो इतनी उम्दा है कि जो पास है वो खास है। अगर वो पास नहीं है तो फिर वो खास नहीं है। तो इस चीज़ को समझिए और भगवान के प्लान पे विश्वास रखिए। धन्यवाद।